अस्सलाम वालेकुम सी एस एस्पिरेंट्स, आई एम फखर हयात, एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर एस्पिरेंट्स, टुडे इज आवर 12th लेक्चर ऑफ लेक्चर सीरीज ऑन क्रिमिनोलॉजी। डियर एस्पिरेंट्स, कुछ दिन की मसरूफियत थी जिसकी वजह से लेक्चर्स डिले हुए हैं, तो आज से हमने इंशाल्लाह रेगुलर क्रिमिनोलॉजी को फिर स्टार्ट कर दिया है। तो कॉन्टेक्ट में रहें, लेक्चर्स देखते रहें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, चीजों को अंडरस्टैंड करें, और अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आए आज हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, सीएसएस क्रिमिनोलॉजी लेक्चर 12। डियर एस्पिरेंट्स, अगर अभी तक आपने अपना सीएसएस का सिलेबस डाउनलोड नहीं किया तो काइंडली अपने सीएसएस के क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस को डाउनलोड करें और अपने सिलेबस की आउटलाइंस को देखें। आप अपने सिलेबस की आउटलाइन को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा क्रिमिनोलॉजी का 50% सिलेबस खत्म हो चुका है। आपके सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, 2, 3, 4। फर्स्ट 2 सेक्शन जो हैं वो 50 मार्क्स के हैं, जो कि हमने कंप्लीट खत्म कर लिए हैं। आज हमारा थर्ड सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, सेक्शन 3। आप अपने सिलेबस में देखें, वहां लिखा होगा सेक्शन 3, टॉपिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। डियर एस्पिरेंट्स, क्रिमिनोलॉजी का इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बगैर क्रिमिनोलॉजी फजूल है। इन्वेस्टिगेशन के बगैर क्रिमिनोलॉजी का कोई पर्पस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के बगैर क्रिमिनोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनोलॉजी का बैकबोन है, इसके बगैर क्रिमिनोलॉजी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी रीजन ये है कि क्रिमिनोलॉजी बेसिकली डील करती है साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है जो क्राइम्स को डील करती है। अब क्राइम्स जब होते हैं किसी मुआशरे में तो पुलिस का क्या काम होता है, इन्वेस्टिगेट करके, सबूत इकट्ठे करके, शवाहिद इकट्ठे करके अदालत को बताना कि फलां बंदा जो अरेस्ट किया गया है, इस वजह से अरेस्ट किया गया है, इसने फलां जुर्म किया है और ये उसके सबूत हैं, ये उसके एविडेंस है। तो किसी भी इंसान ने जो जुर्म किया है उसका जुर्म साबित करने के लिए एविडेंस की जरूरत होती है। अब एविडेंस कलेक्ट करना किसका काम है, पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है। अब जो एविडेंस कलेक्ट करना है ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। तो इसलिए अगर इन्वेस्टिगेशन ना होती तो फिर अदालतें भी नाकाम हो जाती, फिर पूरी दुनिया का लीगल सिस्टम ही नाकारा हो जाता, क्योंकि किसी भी जुर्म को अदालत में साबित करने के लिए जज साहब के सामने, कोर्ट के सामने एविडेंस की जरूरत है। पुलिस ने एक इंसान को पकड़ा है तो क्यों पकड़ा है, उसके खिलाफ सबूत क्या आपके पास, वो जो सबूत है, वो जो शवाहिद हैं, उनको कहते हैं एविडेंस। तो एविडेंस तो आपको तब ही मिलेंगे किसी इंसान के खिलाफ जिसने जुर्म किया है, जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनोलॉजी का इंतहाई अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी लॉजिक को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है। मैंने आपको चंद लफ्जों में बता दिया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन को लीगल सिस्टम से या क्रिमिनल सिस्टम से निकाल दिया जाए तो क्रिमिनल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आपकी क्रिमिनोलॉजी फिर किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए आपको एविडेंस की जरूरत है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप जिसने जुर्म किया है आप उसको सजा ही नहीं दे सकते। अब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस लाने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगी। इसलिए
आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि इन्वेस्टिगेशन कितनी जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो ये मैंने आपको एक जनरल व्यू दिया है कि इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये हमारे क्रिमिनोलॉजी का आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं इस तरीके से डीपली गहराई में जाकर आपको बता रहा हूं कि ये वो रोजमर्रा की चीजें हैं कि अगर आपको इलम है तो आपका नॉलेज और स्ट्रांग हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको इस बात का पहले इलम नहीं था तो आज आपको ये पता चल जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? टॉपिक इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर मैंने चंद जुमलों में आपको बताया है कि इन्वेस्टिगेशन अगर ना हो तो किसी इंसान के खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं किए जा सकते। सबूत इकट्ठे करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो इन्वेस्टिगेशन इसलिए जरूरी है, आपका पूरा कोर्ट के सिस्टम के लिए इन्वेस्टिगेशन बैकबोन की हैसियत रखती है। लेक्चर में देखते हैं, टॉपिक इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। जब भी कोई इंसान जुर्म कर लेता है, सपोज दैट एक बंदा है वो कहता है जी मेरे साथ डकैती हो गई है, मेरा मोबाइल पर्स और मोटरसाइकिल, पांच बंदे थे डकैत, वो छीन कर ले गए हैं गन पॉइंट पर। अब वो बंदा जाकर या तो 15 पर कॉल करता है पुलिस को, या फिर डायरेक्ट थाना में चले जाता है, वहां पर एप्लीकेशन देता है। उसकी एप्लीकेशन पर पुलिस उससे कुछ सरसरी से सवालात पूछती है, और अगर उसकी जेन्युइन डकैती हुई है तो पुलिस, अगर तो उस इंसान को पता होगा कि उसमें फला इंसान शामिल था, अगर उसको इस बात का यकीन है तो फिर मालूम करके, या फिर अगर उसको पता है कि पता नहीं कोई गैर मालूम अफराद थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, तो फिर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR लॉन्च हो जाएगी, पुलिस FIR लॉन्च कर देगी। जब FIR हो जाएगी तो अब उसको साबित कैसे करना है? पुलिस क्या करेगी? मशकूक अफराद पर, जिन लोगों पर शक होगा उन पर पुलिस रेड करेगी, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, और जुर्म को साबित करने के लिए पुलिस शवाहिद इकट्ठे करेगी, पुलिस एविडेंस इकट्ठे करेगी, जो कि एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, और अगर एविडेंस ठीक होंगे तो उनमें से अगर कोई बंदा नामजद हो जाता है तो उसको सजा दी जाएगी। इस तरह दुनिया जहान में जितने जराइम होते हैं, कत्लो गारत, जना, शराब एटसेट्रा, जो भी होता है, उसको साबित किए बगैर किसी भी इंसान को सजा नहीं दी जा सकती। अंडरस्टैंड कर रहे बात को? आप कहते हैं कि मुझे फलां बंदे ने मेरे भाई को कत्ल किया है, फॉर एग्जाम्पल। जब तक आपके पास सबूत नहीं है, अदालत किसी बंदे को सजा नहीं दे सकती। सबूत इकट्ठी करने के लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ती है, और इन्वेस्टिगेशन एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपकी पुलिस का बेसिकली, अगर मुझसे कोई पूछे कि पुलिस का मकसद क्या है, किसी भी कंट्री में जो पुलिस है इसका मकसद क्या है, पुलिस के मकासद में से पुलिस का बहुत बड़ा मकसद है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का काम किसी को सजा देना नहीं है, सजा देना कोर्ट का काम है। पुलिस का क्या काम है? इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का काम है बंदे को अरेस्ट करके जज साहब के सामने पेश कर देना, और जज साहब या तो रिमांड देकर उस बंदे को वापस दे देंगे 15 दिन के लिए, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, या जज साहब उसको जेल भेज देंगे। तो पीछे पुलिस का काम रह जाएगा इन्वेस्टिगेशन करके, एविडेंस इकट्ठे करके कोर्ट के सामने पेश करना। तो बेसिकली पुलिस का काम ही यही है, इन्वेस्टिगेशन करना। आए हम अपने लेक्चर को देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ, टॉपिक इज, आपके सिलेबस में लिखा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन।
इन्वेस्टिगेशन के क्या तरीकेकार होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन कौन से असूल और जवाबत अपनाने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। ये सब बातें जो मैंने की हैं, ये क्या हैं? ये प्रिंसिपल्स हैं। तो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करते हैं कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ते हैं। तो आए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव, जो बंदा भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, चाहे पुलिस है चाहे कोई अदर एजेंसी है, FIA, CID, जो भी है, सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं इसका मकसद क्या है। सेकेंडली प्लानिंग, फिर उसकी प्लान होना चाहिए, उसके पास एक प्लान होना चाहिए कि फलां जुर्म हो गया, फलां जगह पर कुछ लोगों ने ये जुर्म किया है, उसका ये मकसद है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की उसके पीछे ये प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये होती है कि उस जुर्म के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना है, सबूत इकट्ठे करना। नंबर थर्ड, सर्च, तलाश। आप एविडेंस को तलाश करने के लिए आप उन लोगों को तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं जिन लोगों ने जुर्म किया, जो भागे हुए हैं, और अगर जो अरेस्ट हो चुके हैं तो उनसे मुतलका जो चीजें बरामद हुई हैं, पिस्टल, मोटरसाइकिल, जो भी चीजें जुर्म के लिए इस्तेमाल की गई हैं, उनको तलाश करना और उनको अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके एज द एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करना। कंपाइल डाटा, डाटा कलेक्ट करना, चाहे वो किसी भी किस्म का डाटा हो, प्राइमरी डाटा हो क्राइम से रिलेटेड, या फिर सेकेंडरी डाटा हो जो रेलेवेंट हो, उसको कलेक्ट करना। चेक एक्यूरेसी, देखना कि क्या ये चीज वही है, क्या ये वही इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये वही बात है जो उस जुर्म से रिलेटेड है, रेलेवेंसी चेक करना। इफ क्राइम रिकॉर्ड, अगर तो क्राइम हुआ है और उस क्राइम से रिलेटेड आपको कोई सबूत मिल गए हैं तो फिर आप कोर्ट के सामने पेश करेंगे एज एविडेंस। इफ क्राइम नॉट रिकॉर्ड, और अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो सबूत हमें मिले हैं इनका तो उस क्राइम से तल्लुक ही कोई नहीं है, या फिर वो क्राइम तो हुआ ही नहीं है, ये एविडेंस तो किसी और क्राइम से रिलेटेड है, तो फिर आप वो एविडेंस, आप उन सबूत को, आप उन एविडेंसेस को कोर्ट के सामने पेश नहीं करेंगे। असिस्ट द कोर्ट, कोर्ट की मदद करेंगे, असिस्ट द कोर्ट। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाते हैं तो वो आप कोर्ट के सामने पेश कर दें ताकि कोर्ट को, अदालत को, जज साहब को फैसला सुनाने में आसानी हो। जज साहब सबूत लेकर, सबूत सामने रखकर बात करें कि फलां इंसान ने यह जुर्म किया है, यह साबित हो चुका है, लिहाजा इसको सजा दी जाए, और अगर कोई सबूत नहीं मिला तो इसको रिहा कर दिया जाए। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के। वैसे तो अगर हम अगर बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की, तो आज का पूरा दिन भी हमारे लिए नाकाफी है। इस टॉपिक पर इतना कुछ बोला जा सकता है। जितनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पुलिस है, CIA, FBI, ISI, MI, एटसेट्रा, जितनी एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उनको डिस्कस किया जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस डिस्कस की जा सकती है, वो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन मेथड्स यूज करते हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन वो रेलिवेंट है बट सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है उसकी। जो प्राइमरी बात आपसे पूछी गई है वो सिर्फ ये है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रिंसिपल्स कौन से होने चाहिए। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली हमने कुछ जनरल बातें बता दी हैं कि फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सेकेंड टॉपिक देखते हैं जी, मैनुअल ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी का मतलब है इनिशियल फेज, इनिशियल स्टेज। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती क्या है? इट इज द
pre-investigation process to find the reality about crimes. प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वो होती है जब आपके पास थाने में कोई बंदा आता है या कोई बंदा आपको 15 पर कॉल करता है या कोई बंदा जाकर पुलिस को एप्लीकेशन देता है कि मुझे फला इंसान ने तंग किया है, मेरे साथ ये ज्यादती की है, मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ वो किया है। तो पुलिस सबसे पहले ये देखती है कि क्या ये बंदा किसी से बदला लेने की खातिर तो ऐसा नहीं कर रहा, या फिर इसके साथ सच में कुछ ऐसा हुआ है। तो ये जो बात है ना, क्या ये किसी से बदला तो नहीं लेना चाहता, या फिर क्या इसके साथ सच में ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए जो पुलिस एक अपना इनिशियल काम स्टार्ट करती है उसको आप कहते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल फेज। उसमें पुलिस देखती है, प्री इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस उसे सवाल जवाब करती है, अच्छा आप इस टाइम कहां थे, उस टाइम कहां थे, वो बंदा कौन है, क्या उसके वालिद का क्या नाम है, वो कहां रहता है जो आपको तंग करता है, आपके पास क्या सबूत है उसने आपको तंग किया, ये वो चंद सवालात हैं। हियर एप्लीकेशन, जो उसने एप्लीकेशन दी है पुलिस को, पुलिस उसको सुनती है, फाइंड फैक्ट्स करती है, पुलिस फैक्ट्स को देखती है, आया ये बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, अगर सच बोल रहा है वाकई उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो पुलिस अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है जिसको आप कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के पहले का एक चैप्टर है, पहले की कुछ बातें, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा। थर्ड टॉपिक इज डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन। आज के दौर में डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि दुनिया जदीद हो चुकी है, पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, टेलीकॉम सेक्टर के जरिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। आज से 100 साल पहले, आज से 50 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बड़े लंबे लंबे चक्कर लगाना पड़ते थे। अगर कोई डकैत चोर भागकर किसी अदर कंट्री में चला जाता था, किसी और शहर में चला जाता था, तो उसके पीछे जाना पड़ता था। आज भी जाना पड़ता है लेकिन 5%। अब 95% आपका काम कौन कर रहा है? डेटाबेस। 95% उसकी जगह किसने ले लिया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। आपकी ये जो मोबाइल डिवाइस है, ये एक बहुत बड़ा जासूसी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास। आप किसी भी इंसान को ट्रैक करना चाहें, आप किसी भी इंसान का पता करना चाहें, इस वक्त इंसान किस जगह पर मौजूद है, उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, ये क्या खाता पीता है, इसको कौन कौन सी चीजें पसंद हैं, इसके कितने दोस्त हैं, इसके दोस्त किस किस्म के हैं, आपको सारी इन्वेस्टिगेशन सोशल मीडिया से मिल जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो आज के दौर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को, इन्वेस्टिगेशन के निजाम को बेहतर बनाने के लिए आईटी का सहारा लिया है। आपकी फेसबुक प्रोफाइल से आपकी पूरी जिंदगी का, आपकी पूरी पर्सनैलिटी की जजमेंट हो जाती है। आप किस किस्म के बंदे हैं, आप जिस किस्म के बंदे हैं आप उस किस्म की पोस्ट शेयर करेंगे। आप फेसबुक पर कोई भी पोस्ट लगाते हैं तो वो पोस्ट आपको रिप्रेजेंट करती है, वो पोस्ट बताती है कि आप किस दिमाग के मालिक हैं, आपकी सोच क्या है, आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप पोलाइट हैं, आप तंग नजर हैं, आप तनकीद करने वाले लोग हैं। सपोज दैट आप किसी जगह पर जा रहे हैं और आपके हाथ में पिस्टल है और आप एक फोटो बनाते हैं और फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं कि आपके हाथ में पिस्टल था। अब खुदा ना खास्ता रस्ते में कोई ऐसा जुर्म हो जाता है, आपके साथ कोई वाकया हो जाता है, तो आप कहते हैं कि जी मैंने तो कभी पिस्टल रखा ही नहीं है। आपकी फेसबुक की जो पिक्चर है वो एविडेंस बन गई, वो सबूत बन गई। अब वो एविडेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट के सामने पेश कर सकती है कि जनाबे वाला इसके साथ 6 बंदे थे और ये उनकी पिक्चर्स हैं और इन्होंने बड़ी खुशी से लगाई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फलां फलां हैं, हम जट हैं, जट दी बंदूक ये वो। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत बड़ा सोर्स है, इसने दुनिया को कनेक्ट कर दिया है, इसलिए डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन एक बहुत फास्ट मेथड बन गया इन्वेस्टिगेशन का, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन इज द मॉडर्न टेक्निक्स फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इजी टू यूज। अब डीपीओ साहब के ऑफिस में एक एक्सेस होती है टेलीकॉम सेक्टर्स कंपनीज की, वहां पर किसी भी बंदे का डाटा, मोबाइल डाटा, सिम डाटा, रजिस्ट्रेशन किसके नाम है, कब से यूज हो रही है, मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, हर चीज चेक हो जाती है, जिससे आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आसान हो गया। नो फिजिकल फटीग। पहले आपको हजारों मील का सफर करना पड़ता था इन्वेस्टिगेशन के लिए, लंबे 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 सफरों पर जाना पड़ता था, लोगों से जाके पूछना पड़ता था, अब किसी की जरूरत नहीं है। अब आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपकी सिम, आपका मोबाइल रिकॉर्ड, हर चीज गवर्नमेंट की एक्सेस में है। किसी भी इंसान की पूरी हिस्ट्री चंद सेकंड्स में सामने आ जाए। लेस एक्सपेंसेस, इस पर एक्सपेंसेस बहुत कम आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सेस फ्री है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, एफआईए को, सीआईडी को, पुलिस को एक्सेस फ्री है। क्विक सर्विस, अंडरस्टैंड, ऑथेंटिक सोर्स। अब इसके लिए किसी जांच पड़ताल की जरूरत भी नहीं है। अगर मेरे नाम सम रजिस्टर्ड है, कोई सिम रजिस्टर्ड है और उस सिम से कोई गलत कार्रवाई की गई है, तो मैं तो इनकार नहीं कर सकता कि ये सिम मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मेरे आईडी कार्ड पर रजिस्टर्ड है, इसलिए ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ग्लोबल एक्सेस, फिर आप पूरी दुनिया में किसी भी बंदे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको चंद मिनट्स लगेंगे। ग्लोबल एक्सेस पूरी दुनिया में। सोशल मीडिया टूल्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग, ये सोशल मीडिया आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने आज तक अपनी फेसबुक पर जितनी पोस्ट लगाई हैं, वो पोस्ट आपके खिलाफ एविडेंस पेश की जा सकते हैं। अगर उसमें कोई ऐसी गलत बात आपने की है जो कि कानून के खिलाफ है, तो आपने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। इसलिए जब भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कोई पोस्ट लगाएं, तो ये देख कर लगाएं, सोच समझ कर लगाएं कि ये इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, क्या इसमें कोई हुरमत तो नहीं होती, ये क्या कानून के खिलाफ तो नहीं है, एटसेट्रा। लेजिस्लेशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और अब तो कानून भी चेंज हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आ गया 2016, साइबर क्राइम्स एक्ट 2016 आ गया, जिसमें ये सब कुछ बताया गया है किस तरह से पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर सकती है चीजों को, और उनको एक दायरा इख्तियार दे दिया गया। स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द कोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस डेटाबेस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जो आप सबूत इकट्ठे करेंगे, जो आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अंडरस्टैंड। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये कुछ तीन टॉपिक्स थे, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, मैनुअल ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन। टॉपिक मेजर था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ना हो तो तमाम दुनिया में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को निकाल दें, तो दुनिया में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। क्यों नहीं मिल सकेगा? कि जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो सबूत इकट्ठे नहीं होंगे, सबूत इकट्ठे नहीं होंगे तो फैसला कैसे होगा कि इसने जुर्म किया या नहीं किया। इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, इसको सीखने की कोशिश करें, ताकि अगर आप लॉ के ग्रेजुएट्स हैं, आप पुलिस में जाना चाहते हैं, या आप जनरल रोजमर्रा लाइफ में भी ये चीजें आपके काम आने वाली हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।